हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। आप आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं घन कोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में उसे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे घन कोण और उसी के साथ में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है तो हमें मालूम है घनकोण क्या होता है। देखिए, कोई भी गोला होता है, एक गोला लेते हैं और गोले का एक सेंटर होता है। एक गोला है, ये गोले का सेंटर है, इसका नाम मैंने दे दिया ओ। गोला गोले का सेंटर। अब गोले का पृष्ठ भी होता है, मतलब उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है। तो गोले का पृष्ठ जो होता है वो पृष्ठ गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है, जितना कोण बनाता है, उसी कोण को हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। मतलब कहने का है गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण ही घन कोण कहलाता है। मतलब गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित किया जाता है उस गोले के पृष्ठ द्वारा आंतरित कोण ही घन कोण कहलाता है। ठीक है, और इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से व्यक्त करते हैं। मतलब घन कोण को व्यक्त किया जाता है ओमेगा से। तो देखते हैं, ये गोला है और गोले का केंद्र ओ है, इसका ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं, ये पूरा पृष्ठ होगा लेकिन इसका हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, मतलब छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, इस पृष्ठ का नाम दे दिया डी ए। ठीक है, जब भी हम छोटे से की बात करेंगे, मतलब छोटे क्षेत्रफल की बात करेंगे, छोटे से घनकोण की बात करेंगे तो हम डी लगा देंगे। छोटे से वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तब भी हम डी लगा देंगे। छोटे फ्लक्स की बात करेंगे या कम फ्लक्स की बात करेंगे या कम घनकोण की बात करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? डी, डी ओमेगा, डी ए, डी ई, जो भी होगा इस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है, तो छोटा सा ये वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ये पृष्ठ है गोले का, जिसका मैंने नाम क्या दिया है? डी ए। ठीक है, और इस गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित किया जा रहा है, इस कोण डी ओमेगा को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो घन कोण बोलते हैं। इस डी ओमेगा को बोलते हैं घन कोण। ठीक है, घन कोण का फॉर्मूला होता है घन कोण बराबर घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो थीटा है वह पृष्ठ का झुकाव है। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस तरफ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यहां पर ये है पृष्ठ की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ की दिशा, इनके बीच में बनने वाला कोण ही यहां पर कहलाएगा थीटा। तो थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा पृष्ठ की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम बोलेंगे थीटा। तो हम देख रहे हैं घनकोण का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है घनकोण का सूत्र। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अच्छा एक बात और, घनकोण का फॉर्मूला डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं संपूर्ण घनकोण की बात करूं, मतलब ये पूरा गोले का पृष्ठ, संपूर्ण गोले का पृष्ठ जो है गोले के केंद्र पर कितना कोण आंतरित करता है, अर्थात पूरे गोले की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे गोले का जो घनकोण होता है, संपूर्ण घनकोण जो होता है जिसे हम ओमेगा कहेंगे, वो होता है 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। मतलब संपूर्ण घनकोण जो होता है वो होता है 4 पाई। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किस गोले के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण कितना होता है? 4 पाई। और घनकोण का मात्रक क्या होता है? तो घनकोण का मात्रक होता है, घनकोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन। घनकोण का मात्रक है स्टे रेडियन। तो आज हम लोगों ने देखा घनकोण, अब हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र जब बनता है किसके कारण? आवेश कारण। आवेश कारण जब वैद्युत फ्लक्स बनता है तो कैसे बनता है?
आवेश से निरंतर कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहती हैं, कंटिन्यू कुछ रेखाएं निकलती रहती हैं, उन किरणों को, उन निकलने वाली रेखाओं को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं जब किसी पृष्ठ से निकलती हैं, मान लिया एक छोटा सा पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं उसके अभिलंबवत गुजर रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। मतलब कहने का यह है कि नहीं, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं यहां से गुजरेंगी, इस पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम व्यक्त करते हैं फाई ई से। कैसे व्यक्त किया जाता है? फाई ई से। फाई है वैद्युत फ्लक्स। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम बोल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखा गया है डी ए लिया गया, अर्थात क्षेत्रफल अवयव छोटा सा है, तो हम इसे डी ए को बोलेंगे क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अवयव के डॉट गुणनफल को हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये अगर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वेक्टर्स के बारे में कि अगर डॉट प्रोडक्ट इसका निकाला जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो हम वेक्टर हटाते हैं तो क्या आ जाता है? फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये है वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और वेक्टर जब हटाए जाते हैं तो क्या आ जाता है? ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा वैद्युत फ्लक्स। गॉस की प्रमेय क्या है? तो गॉस की प्रमेय है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वह वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में जितना आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लिया किसी भी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू है, और ये जो वैद्युत फ्लक्स उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई कितना होगा? इस आवेश का कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस के प्रमेय का कथन है। मतलब हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन नॉट। ये क्या है? गॉस की प्रमेय है। कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कैसे करते हैं तो देखते हैं गॉस की प्रमेय के लिए। ये है एक काल्पनिक बंद पृष्ठ और इसमें मान लिया कुल आवेश है Q स्थित है, ठीक है। बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है और इस आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इसके बारे में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इस पृष्ठ का हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। मान लिया ये है हमारा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव। इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो है ये, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है मान लिया यहां पर ये है। इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्रफल की दिशा ये है, जिससे हम छोटा क्षेत्रफल लिया है डीए ले लिया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब देखेंगे इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये हमें निकालना है। हम इस पृष्ठ की इस आवेश से दूरी मान लेते हैं कि आर है। कितनी दूरी है? आर है। इस आवेश की उस पृष्ठ से दूरी क्या है? आर है। तो हमने देखा है कि जो वैद्युत फ्लक्स हो यहां पर, अगर यहां पर आवेश आर क्यू है, यहां पर दूरी आर है, और इस आर पर यहां पर कौन सा बिंदु? पी है। और यहां पर हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं कितनी है। तो हम लोग पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? 1/4πε0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बिंदु E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर।
ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। अब हम देखेंगे ये जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ इस गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, अर्थात कितना घनकोण अंतरित कर रहा है। तो हमने मान लिया ये घनकोण जो है वो डी ओमेगा है। कितना घनकोण? डी ओमेगा है। तो ये जब डी ओमेगा घनकोण है तो हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स कितना इससे गुजर रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला है हमारे पास, क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो ये होगा फाई ई। अब क्षेत्रफल अवयव डीए छोटा है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स भी होगा वो छोटा होगा। और हमने बताया हर छोटी चीज के लिए इसमें हमें क्या लगाना है, डी। तो क्षेत्र जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। अभी हम लोग ये सूत्र पढ़ चुके हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। और हमें पता है जैसे हम वे वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा, ई डीए कॉस थीटा। थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच में कोण है, ठीक है। तो डी फाई बराबर ई इंटू डीए कॉस थीटा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ई का ये वाला मान यहां पर रख देते हैं। ई का मान क्या है? ई का मान रख रहे हैं डी फाई ई बराबर, ई का वैल्यू ये रख रहे हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहां पर क्या है डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा। अब हम देखें Q को यहां पर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जैसे हम देखेंगे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने कुछ पढ़ा था ये घनकोण का फार्मूला है, घनकोण अर्थात डी ओमेगा है। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये घनकोण डी ओमेगा है। तो हम लिखेंगे क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा है। तो यहां पर डी ओमेगा रखेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब ये डी ओमेगा ये क्या है, घनकोण है, इस क्षेत्रफल के लिए घनकोण है। अगर मैं हमने देखा है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ये जो मैंने फार्मूला प्राप्त किया है डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, ये वैद्युत फ्लक्स निकाला है मैंने केवल इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए, मतलब क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए। अगर मैं संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करूं, पूरे गोले की बात करूं या पूरे बंद पृष्ठ की बात करूं तब कितना निकलेगा। और जब अब हमें जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो दिमाग में भर लीजिए कि जब भी मैं छोटे के लिए हमें कुछ भी पता होगा और बड़े के लिए निकालना होगा या संपूर्ण के लिए निकालना होगा तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ है और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो अब हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं तो अब छोटे की बात नहीं हो रही है, डी हटा देंगे, अब केवल फाई ई लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, और संपूर्ण की बात हो रही है इसलिए हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन q अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। यहां पर बंद पृष्ठ है इसलिए ये कर दिया। अब क्या करना है भाई, हमें q अपॉन 4πε0 ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बाहर कर देते हैं तो ये डी फाई ई ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, डी ओमेगा, डी ओमेगा। अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब क्या है, संपूर्ण घनकोण। और हमें मालूम है अभी हमने बताया था कि संपूर्ण घनकोण क्या होता है, पूरे गोले के लिए घनकोण क्या होगा, तो संपूर्ण घनकोण होता है 4π, कितना होता है 4π। तो यहां पर हम 4π लिखेंगे क्योंकि क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 4π, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 4π। तो यहां पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह पर रखेंगे 4π, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू
क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में फोर पाई, और यहां से फोर पाई ये और फोर पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही थी हमारी गॉस की प्रमेय, और इसका हम सत्यापन कर चुके हैं। एक बार समझते हैं क्या है, ये एक है बंद पृष्ठ जिसके केंद्र O पर या किसी भी बिंदु O पर एक Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर मैंने एक पृष्ठ मान लिया है, और इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इस पृष्ठ की दिशा dA की ओर है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर दर्शाई गई है, इनके बीच में बनने वाला कोण जो है थीटा है, और ये पृष्ठ जो है इसके केंद्र पर d ओमेगा घन कोण आंतरित कर रहा है। तब हमने पहले क्या किया कि बिंदु P पर या फिर इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो निकाल लिया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या होगा, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, केवल इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d phi इज इक्वल टू वेक्टर E इनटू वेक्टर dA, फार्मूला पीछे पड़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा d phi इज इक्वल टू वेक्टर E dA cos थीटा, क्योंकि वेक्टर होता है तो क्या आता है cos थीटा आता है, d phi E बराबर वेक्टर E का मान दिया 1/4πε0Q/r2 dA cos थीटा ऐसे रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर q अपॉन 4π0 अलग कर दिया है, dA cos थीटा के अपॉन में r स्क्वायर अलग कर दिया है, हमें जैसे ही अलग लिखा तो हमें ज्ञात हो गया कि dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, ये घनकोण का सूत्र है, तो ये घनकोण d ओमेगा रख दिया, तो यहाँ पर d phi is equal to q अपॉन 4π0 into d ओमेगा हो गया है। अब हमने ये वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है, लेकिन किसके कारण, केवल इस क्षेत्रफल अवयव dA के कारण, हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब phi is equal to integration q upon 4π0 into d ओमेगा हो जाएगा, और 4π0 ये जो है q upon 4π0 ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा d ओमेगा बचेगा। अब हम इंटीग्रेशन d ओमेगा का वैल्यू क्या है, संपूर्ण गॉस हम कहते हैं संपूर्ण घनकोण है, और संपूर्ण घनकोण का वैल्यू क्या होता है 4 पाई होता है, तो यहां पर इंटीग्रेशन d ओमेगा जहां पर रख दिया 4π 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 कैंसिल, तो क्या बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय का सत्यापन हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो आपको करना क्या है, हमारी इस मेहनत को साकार करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इसे इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पर आपको जानते हैं तो फिजिक्स तो पढ़ते रहेंगे, और मैथ भी हम जल्दी ला रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, बाय।